मित्रों सच बात यह है, मैं इनका बच्चा हूं, वो स्नेह वश आशीर्वाद वश मेरे बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मित्रों मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, यहीं आसपास का आपके बीच का रहने वाला हूं। जितने भी लोग बैठे हैं, आदरणीय विजेंद्र आर्य जी बैठे हैं और मीडिया से रोहित भाई बैठे हैं, वो बिल्कुल सबकी खबरें बना रहे हैं, मनोज भैया बैठे हैं, मंजीत जी बैठे हैं, लक्ष्मण सिंगल जी बैठे हैं और हमारे बिहाइंड में जो बैठे हैं वो महिपाल जी बैठे हैं, जितने भी लोग हैं। मैंने पिछले वर्ष ओमवीर बैसला जी से एक निवेदन किया था कि एक कार्यक्रम हमारे बाराही मेले में कवि सम्मेलन भी होना चाहिए जब रोज रागनी कंपटीशन होते हैं। उन्होंने मेरा आग्रह माना क्योंकि मैं उनका छोटा भाई था, उनके बच्चे के बराबर था और ये दूसरे वर्ष भी कवि सम्मेलन हुआ। मुकेश भैया पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसे भामाशाहों के लिए ताली बजाएं। मैं इन सबके चरणों की धूलि को चरण स्पर्श करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि मैं बड़ा नहीं हूं, ये लोग बड़े हैं, क्योंकि इन लोगों की नींव में अमित शर्मा खड़ा है, इसलिए अमित शर्मा आपको दिखाई देता है, पीछे वाले लोग नहीं दिखाई देते। लेकिन इसी पे अगर अमित शर्मा रूप इमारत खड़ी है तो वो इनकी ईंटों पे खड़ी है, क्योंकि जमीन में मेरे लिए धसे हुए हैं। मैं इनको नमन करता हूं, इनको प्रणाम करता हूं। मित्रों एक रागनी की टीम पीछे आ चुकी है, 7-8 मिनट आपके बीच में लूंगा, ज्यादा लंबा काव्य पाठ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी समय का एक बहुत बड़ा सारथी होता हूं और जितने भी लोग बैठे हैं ये पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ है और आपने इस मेले को पूरे विश्व में, इतनी ज्यादा संख्या इसमें आती है, लाखों लोग इसमें आते हैं, 12 लाख लोग आज तक पूरे बताऊं दिल्ली एनसीआर के किसी मेले में नहीं आते, 12 लाख लोग बराही मेले में आते हैं, ये आपका तप है, आपकी तपस्या है। जहां तक अभी हमारे एक मित्र ने कहा था कि ये करते हैं ये फोर्स वाले ऐसे करते हैं, यूपी पुलिस वाले ऐसे करते हैं, मैं मित्रों आपको एक बात बता देता हूं, हम मेले का आयोजन कर रहे हैं, भव्य आयोजन है, यहां से कुछ लोगों को हटा रहे हैं, कुछ लोगों को बिठा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, वो इसलिए सुन रहे हैं कि यूपी पुलिस के जवान डंडा लेकर इसलिए खड़े हैं ताकि मेले में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके, इसलिए इनके लिए ताले बजाए। एक हमारे मित्र हैं दिल्ली पुलिस में एसएचओ हैं, उनका नाम आदेश त्यागी, उन्होंने लिखा कि जाने कौन है जिसने अंदर इतनी हिम्मत भर दी है, जाने कौन है जिसने अंदर इतनी हिम्मत भर दी है, मुझ में है कानून की ताकत, तन पर खाकी वर्दी है और तुम्हें बचाने अपराधी के पीछे भाग रहा हूं मैं, तुम सो जाओ नींद चैन की, सोकर जाग रहा हूं मैं। ये हमारे पुलिस के मित्रों, आपको याद होगा जब कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे हमारे संसद पर हमला करने, तो हमारे 543 सांसद बेंचों के नीचे घुस गए थे, वो तो भला हो इन पुलिस के 8 जवानों का जो इस लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचा लिया। तब एक बहुत बड़े कवि मदन मोहन समर ने लिखा कि जिनके गरम लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, इन 4 पंक्तियों से बताना कि ये कवि सम्मेलन को मैं कहां पर लेके जाऊंगा, कि जिनके गरम लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, जो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाश गिरा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाश गिरा नींव में ऊपर हिंदुस्तान का। सत्ता परिवर्तन आपने किया, 325 सीट आई, मैं आपको बताऊं 8 साल से कविता पढ़ रहा हूं कि कहो गर्व से हम हिंदू है, और इस भगवा वस्त्र पे कविता पढ़ रहा हूं, लोग कहते हैं अमित शर्मा तो हिंदुत्व पे कविता पढ़ता है, सांप्रदायिक कवि है, पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार का एक भी मंच नहीं पढ़ा, उसके बाद भी आपका आशीर्वाद था, पूरे विश्व में मैं गया, थाईलैंड में गया, कंबोडिया गया, आपका आशीर्वाद था मित्रों, पूरे देश में छाया रहता हूं, बस इसके कारण छाया रहता हूं क्यों मेरे बड़े लोग मेरे साथ रहते हैं। मित्रों जो सत्ता परिवर्तन आपने किया उन लोगों को दिखा दिया कि अगर हिंदुत्व की बात हो सकती है भगवा की बात हो सकती है, और आज आपने एक भगवाधारी को उस गद्दी पर बैठा दिया जिस गद्दी पर पहले कैसे लोग बैठा करते थे, तब जाकर आपको नमन करता हूं। मित्रों क्या है सनातन धर्म, आदरणीय पलंकर जी लिखते हैं, उसके बाद अपनी कविता रखता हूं कि धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, और आपकी तालियां चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, कि धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान, देख लीजिए इसके अनेक धर्म ग्रंथ है गवाह बने, आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए, जन्मते ही कृष्ण और विष्णु के है चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए,
लीजिए और उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए, शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। मैं कविता शुरू करता हूँ, 6 मिनट की कविता है, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 6 मिनट बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। लेकिन जब मैं स्थान ग्रहण करूं तो मुझे आपका इतना स्नेह मिलना चाहिए, इतना आशीर्वाद मिलना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मैं आपके बीच में पैदा हुआ हूं, मैं आपके बीच में रहता हूं। हिंदुस्तान में कहीं तालियां नहीं बजे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में भोपाल के अंदर 2 लाख लोगों ने कुर्सियों पर खड़े होकर अमित शर्मा के लिए तालियां बजाई हैं, लेकिन आज आपके बीच खड़ा हूं, आज आपका आशीर्वाद मांगता हूं। एक मंत्री का बयान आया, हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद। मित्रों, जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो कोई ईसाई या मुसलमान नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील सिंधे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी है वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है मैं किसी को गाली दूं। लेकिन उस व्यक्ति को मैंने एक कवि की 2 पंक्तियां दी कि कीचड़ तेरे पास था, मेरे पास गुलाल। तेरे संस्कार ऐसे हो सकते हैं तू किसी को गाली दे, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है मैं किसी को गाली दूं। कि कीचड़ तेरे पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था सबने दिया उछाल। तेरी संस्कृति ऐसी थी तू किसी को गाली दे। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, भगवा क्या है। सीधे सीधे पंक्तियां कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबाना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी, डुबाना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, और इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को बहुत बहुत धन्यवाद, दुनिया ने शीश नवाया है। भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। जोरदार ताली। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे, उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्तियां लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं, कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो, और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा। इतिहास उठाकर देखो, इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 1437 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2017 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करूं तो आज हम 2074 में है। अरे माता की, कर रहे हैं 57 साल तो दुनिया से हम लिखित रूप में आगे हैं। हमारे पास ये आंकड़ा भी है वेदों के अनुसार कि धरती माता को बने हुए लगभग 1,96,000,000 साल हो गए हैं। हम ही सबसे आगे थे, हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे, जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा दुनिया से मनवाया है, मुगलों से न मिटे हिंदू अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए, इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिटना पाया है, सिर झुका कर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने, वो भी हम मिट जाएंगे, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, अरे वो भी हम मिट जाएंगे।
जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। बहुत अच्छे अमित भाई, क्या बात है। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अब अगले बंद में बताता हूँ भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं मित्रों, कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। अरे भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। जोरदार ताली। बहुत अच्छे। भगवा से हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। क्या बात है अमित भाई। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हिंदुत्व को मिटा देंगे, हिंदुस्तान को मिटा देंगे। मित्रों डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान कब बना किसी को कुछ नहीं मालूम। हर देश की जन्मतिथि है। पाकिस्तान की जन्मतिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्मतिथि, अफगानिस्तान की जन्मतिथि है, अमेरिका की जन्मतिथि है, डेनमार्क की जन्मतिथि है, थाईलैंड की जन्मतिथि है, कंबोडिया की जन्मतिथि है, ब्रिटेन की जन्मतिथि है, इटली की जन्मतिथि है। और जिसकी जन्मतिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाए। क्या बात है अमित भाई। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है। कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओ? भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं। इंसान बने हर कोई दुनिया में, बात यही हम कहते हैं। अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से। पर जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? एक आतंकवादी को हिंदुस्तान में फांसी लगती है तो लाखों लोग जंतर मंतर पे पहुंच जाते हैं, संसद का घेराव कर लेते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक आतंकवादी की फांसी पर जिस देश में जुलूस निकल जाए, धरने प्रदर्शन हो जाए, वो देश विकास की तरफ नहीं जा रहा, वो देश पतन की तरफ जा रहा है। बहुत सुंदर। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? आतंकवादी की फांसी पर मिलने को सरेआम मिले अगर ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे और आतंकी की फांसी पर हमने दो दो हाथ किए, उसके बाद आतंकी से फिर ना कोई हम बात किए। और चाहे कुछ भी हो जाए देश में, चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से प्यार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे। देश के हर एक हिंदू को हम देशभक्त बना देंगे और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमें मार्ग चुनना होगा। एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा। क्या बात है? एक बार फिर से हमको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।